कलर है ना आगे तक खिंच रही है ब्लैक और ये पट्टी ब्लैक और वो पूरा बाल ये लिए हम दो बाइक को मार आजा अभी गाड़ी का कचरा होगा तेरे पास मतलब सीधी तो गाड़ी नहीं आएगी नहीं कभी आज बीच में चले नहीं हेलो 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 सर क्या कुछ पूरा मामला हुआ है किस तरह आज हमें स्टेशन अजीत सिरसा से एक मेमो मिली थी जिसमें बताया गया था उसने मेरे गगर पुल के पास किलोमीटर नंबर 211 के पास एक मोटरसाइकिल से तीन लड़के टकरा गए हैं जिस पर मैं स्टाफ से मौके पर पहुंचा हूं जहां हमने दो डेड बॉडी मिली है जी। और दो मोटरसाइकिल बिल्कुल अस्थिग्रस्त है जो कि एक मोटरसाइकिल के तो अभी नंबर तक भी पता नहीं चल रहा दूसरे की नंबर प्लेट अभी हमने मिली है तो जो उसके जो कागजात मिले हैं उसमें इसकी एक इंश्योरेंस में इसका एक एड्रेस मिला है दीप्ति है ये नथार की दीप्ति इसका पूरा नाम है नथार के रहने वाले ये कागज मिले हैं अभी हम इसका पता कर रहे हैं मोटरसाइकिल से उससे जो भी जानकारी मिलेगी आपको सूचित कर देंगे हादसा सर की आप वजह क्या मानते हैं कोई रोड क्रॉस करने की कोशिश ये या क्या अभी ड्राइवर के बयान बकाया है वैसे बता रहे हैं कि ये लाइन पार लाइन से मोटरसाइकिल से जा रहे थे आगे से गोरखधामा एक्सप्रेस आएगी उससे टकरा गए तो घसीटते तक आगे तक ले गई है हाँ हाँ एक डेड बॉडी तो बिल्कुल नीचे अंडर ब्रिज के नीचे पड़ी है दूसरी लाइनों के बीच में पड़ी है डेड तो अब क्या पूरी कार्रवाई देगी सर अभी एक बार 134 सीआरपीसी की कार्रवाई है और मोटरसाइकिल अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए उम्र कितनी लगती होगी सर इनकी उम्र है इनकी कोई एक की तो 35-36 साल है दूसरे की 28-30 साल लगती है वैसे और दीप्ति की उम्र सर नहीं दीप्ति तो ये इसके नाम कागज मिले हैं अभी अपने दो की डेड बॉडी मिली है वो तो पता चलेगा जब इनके कोई वारिस आ जाएंगे या इसके कोई आ जाएंगे तो बता से कोई भागा वगैरह भी था कि जब इस तरह का हादसा हुआ था बीच में छोड़ के भाग गया था मोटरसाइकिल अभी हमें इस चीज का पता नहीं है हमें इसे ड्राइवर के बयानों से पता चलेगा अभी तो चोट नहीं चाहिए